हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग चावल के आटे से हलवा बना रहे हैं। अभी मैंने नारियल, बादाम, किशमिश और चावल का आटा लिया है, उसके साथ हरी पत्ती भी है, थोड़ा बहुत दालचीनी भी लिया है, और उसके साथ एक कटोरी चीनी और एक कटोरी दूध लिया है। अभी हम गरम कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल गरम होने के बाद चावल का आटा उसमें डालेंगे। अब इसको हम धीरे धीरे से 5 मिनट भून लेंगे। अच्छे से भूनने के बाद हम इस पे चीनी डालेंगे थोड़ा सा, और फिर से भूनना शुरू करेंगे जब तक अच्छे से मिक्स ना हो जाए। दो मिनट ऐसे ही भूनते रहेंगे। अब इसमें खुशबू के लिए हम थोड़ा सा हरी पत्ती और नमक डालेंगे। अब पहले रखा हुआ नारियल का पिस्ता हम इस पे डालेंगे थोड़ा। अब हम किशमिश के साथ हरी पत्ती भी डालेंगे। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए। अब एक कटोरी गरम पानी। अब फिर से इसको अच्छे से भूनेंगे हम। अब इस पे पहले रखा हुआ एक कटोरी दूध डालेंगे। अब इसके ऊपर मलाई डालेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद थोड़ा सा घी डालेंगे। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐसे ही मिक्स करते रहेंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना, और हो सके सब्सक्राइब भी कर देना। और अब यह हलवा बन के रेडी हो चुका है। तो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे।